पार्ट 5 एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो BHU BSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर पोर्शन है उसमें क्वेश्चन कहां से आते हैं और कैसे आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपका जो BHU BSc एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आते हैं वो ये 16 टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो जनरल एग्रीकल्चर है। जनरल एग्रीकल्चर में नॉर्मली आपका इंस्टीट्यूशन है, जितने भी संस्थान है उसको आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है जो डेट है, जैसे कि 16 जुलाई है उसको ICAR के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली जनरल एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी, जिसको कि हिंदी में शस्त्र विज्ञान कहते हैं। इसमें नॉर्मली आपका क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉप जैसे कि आप ले सकते हैं राइस है, व्हीट है, मेज है, लिनसीड है, मस्टर्ड है, चिकपी है, सुगर कैन है, इस प्रकार के क्रॉप एग्रोनॉमी में पूछे जाते हैं। तो जब हम एग्रोनॉमी का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्रॉप हैं जिनसे कि क्वेश्चन BHU में पूछा जाता है। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो तीसरा नंबर है, जो कि वीट साइंस है। वीट साइंस को हिंदी में खरपतवार विज्ञान कहते हैं। इसमें जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वीट है जो एनुअल वीट है, कौन सा वीट है जो बाइनुअल है, पेरेनियल वीट है। हर्बिसाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हर्बिसाइड PPI है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, कौन सा वेट प्री इमरजेंस है, और सॉरी कौन सा हर्बिसाइड प्री इमरजेंस है, इसी प्रकार कौन सा वेट सॉरी हर्बिसाइड पोस्ट इमरजेंस है, और यही वेट का क्लासिफिकेशन, हर्बिसाइड की क्लासिफिकेशन, पैरासाइड के बारे में नॉर्मली यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो एग्रोमेट्रोलॉजी है। एग्रोमेट्रोलॉजी को हिंदी में मौसम विज्ञान कहते हैं। यहाँ से नॉर्मली आपको एटमॉस्फेयर है, जैसे वायुमंडल है, इसके बारे में पढ़ना होगा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होगा जिसका उपयोग हम मौसम को नापने के लिए या उसके स्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं, ऐसे उपकरणों के बारे में आपको एग्रोमेट्रोलॉजी में पढ़ना होगा, जहां से कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जो आपका पांचवा नंबर है या पांचवा टॉपिक है वो इरिगेशन है। यहाँ से नॉर्मली BHU में कभी कभी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मेनली आपका जो पढ़ना है वो है मेथड ऑफ इरिगेशन है, और इरिगेशन की कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें कि कम से कम पानी का खर्च हो, किसका एफिशिएंसी ज्यादा है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली पूछे जाते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, रिंग मेथड है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना होगा, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस में दो भाग होते हैं, एक पेडोलॉजी है, एक इडेफोलॉजी है, तो इन दोनों भागों को आपको पढ़ना होगा। इसी में साथ में हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रंट को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रति यार 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से कि न्यूट्रिएंट से जो पोषक तत्व है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन प्रति यार आता ही है। इसको आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पोषक तत्व से प्रति यार यानी हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आता है। तो सॉइल साइंस में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका जो पहला होगा पोषक तत्व से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से मिलेंगे, और जो आपका पेडोलॉजी और एडेप्टोलॉजी है वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका 6 नंबर था सॉइल साइंस यानी कि हिंदी में मृदा विज्ञान। दोस्तों जो आपका 7वां नंबर है या 7वां टॉपिक है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान कहेंगे। इसमें दोस्तों आपको फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, फूलों के बारे में और उनके प्रिजर्वेशन के बारे में अध्ययन करना होगा। तो इसमें आपको जो पढ़ना होगा वो 4 टॉपिक हैं, जिसमें पहला है पोमोलॉजी, दूसरा ओलेरिकल्चर, तीसरा फ्लोरिकल्चर, और पांचवा जो होगा तो फ्रूट प्रिजर्वेशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, जिसमें कि आपको जैम, जेली, स्क्वाश, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होगा, वहां से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर में।
दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो आठवां नंबर है, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें प्लांट के फिजियोलॉजी के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, जैसे कि उसके रेस्पिरेशन के बारे में, उसके टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, उसके जो आपका गटेशन होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो नौवां नंबर है, जिसमें कि आपको जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के बारे में अध्ययन करना होगा। यहाँ से भी नॉर्मली एक से दो से तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक्स में आपको ब्रीडिंग के एक आध दो मेथड है, उनको सिंपली सामान्य भाषा में याद रखना होगा। और कुछ थ्योरीज हैं जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना होगा। और कुछ है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डस्ट टेस्ट किस लिए है। दोस्तों जो आपका डस्ट टेस्ट है वो क्रॉप के प्योरिटी के लिए होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो आपका जीनोमिक्स होगा इसमें पूछा जाता है, जैसे कि हैप्लॉयड को कैसे प्रदर्शित करेंगे, डिप्लॉयड को कैसे प्रदर्शित करेंगे, जीन इंट्रैक्शन, इस तरह के क्वेश्चन जीनोमिक्स से पूछे जाते हैं। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो दसवां नंबर है, जिसमें कि आपको एंटोमोलॉजी आपका है, तो कीट विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें कीट के फिजियोलॉजी, जैसे कि उसके लेग, उसके एंटीना, उसके विंग और उसके पूरे शरीर के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। मेनली जो यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेंगे वो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा कीट किस फैमिली को या किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, और किस कीट में किस प्रकार का माउथ पार्ट पाया जाता है, किस कीट में किस प्रकार का लेग पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे और इसी तरह आपको यहाँ से पढ़ना होगा। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो 11 नंबर है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में पशुपालन कहते हैं एंड दुग्ध विज्ञान। दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में आपको नॉर्मली जो एनिमल्स हैं, जैसे कि काउ है, बुफेलो है, गोट है, शीप है, स्वाइन है, पोल्ट्री है, इनके ब्रीड्स के बारे में अध्ययन करना होगा। और इनके बारे में थोड़ा और नॉर्मली अध्ययन करना होगा कि उनका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, उनका ब्रीड पीरियड क्या होता है, उनका टेम्परेचर कितना होता है, उनका रेस्पिरेशन कितना होता है, उनका पल्स रेट क्या होता है, और किस ब्रीड का क्या ओरिजिन प्लेस है, उसका क्या महत्व है, उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ना होगा। साथ में ही जो आपका डेयरी है, डेयरी में आपको दुग्ध के बारे में पढ़ना होगा कि किस, जैसे कि आपका गाय है तो गाय के दुग्ध में कितना लैक्टोज पाया जाता है, कितना उसमें वसा पाया जाता है, उसमें कितना वाटर पाया जाता है, इस तरह आपको बुफेलो में पढ़ना होगा, शीप में भी पढ़ना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में मिलेंगे। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो 12 नंबर है, जो कि प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी को हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहते हैं। यहाँ से नॉर्मली प्रतिवर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको इसमें पढ़ना होगा वो डिसीज के बारे में, यानी कि किस प्लांट में कौन सा डिसीज लगता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डिसीज का नाम दे देगा, अपना देगा कि वो किस प्लांट से संबंधित है, तो इसको पढ़ना होगा कि कौन सा डिसीज किस प्लांट से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है कि उस डिसीज का कारक क्या है, यानी कि उस डिसीज किस कारण से हुआ है। जैसे कि कोई भी डिसीज हो सकता, फंगस से, वायरस से, माइकोप्लाज्मा से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, इनसे नॉर्मली होता है, तो पूछा जाता है कि जो डिसीज है वो किस कारक से, यानी कि उसका कारण क्या है जिससे वो हुआ है। साथ में ही जो आपका अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि वो रोग है उसमें जो कारक है उस कारक का नाम क्या है। जैसे कि अगर फंगस से लगा हुआ रोग है तो उस फंगस का नाम क्या है जिससे वो लगा है। जो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वेक्टर, जैसे कि कुछ ऐसे है रोग है जिनका कारक होता है वायरस, तो वायरस के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, तो उन वेक्टर को आपको याद रखना है। साथ में ही कंट्रोल को याद करना है कि किस डिसीज को कैसे कंट्रोल करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये प्लांट पैथोलॉजी में नॉर्मली पूछे जाते हैं। दोस्तों जो आपका अगला टॉपिक होगा वो 13 नंबर है,
जो कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से नॉर्मली आपको प्रोग्राम के बारे में पूछा जाएगा, इसको हिंदी में कृषि प्रसार कहेंगे, कृषि प्रसार कहेंगे, जहां से कि नॉर्मली में प्रोग्राम्स के बारे में पूछा जाता है। प्रोग्राम्स जैसे कि सीडीपी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। इसी प्रकार इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। इसी प्रकार लाइफ टू लैंड है, यानी कि जितने भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में आते रहते हैं, जिनको आपको प्रोग्राम्स के बारे में मेन फोकस करना है। और भी चीज है जो कि आपको पढ़ना होगा, जैसे केवीके है, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, उसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो आपका है अगला टॉपिक है वो 14 नंबर है, जिसमें आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा। दोस्तों कृषि अर्थशास्त्र में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको किस लिए बनाया गया है। इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा आरबीआई है, आरआरबी है, साथ में ही मार्केटिंग के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि एगमार्क है, उसके मुख्यालय कहाँ है, उसका स्थापना कब हुआ था। उसी प्रकार मार्केटिंग में ये परफेक्ट मार्केटिंग कैसा होता है, इनकम्प्लीट मार्केटिंग कैसा होता है, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो 15 नंबर है, जो कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, हिंदी में इसे कहें तो कृषि अभियांत्रिकी है। यहाँ से भी नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो पढ़ना होगा वो मेनली पढ़ना होगा कि कौन सा इम्प्लीमेंट प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा इंटरकल्चरल ऑपरेशन वाला इम्प्लीमेंट है। साथ में ही आपको इसमें प्लाव के बारे में अध्ययन करना होगा कि प्लाव है, जैसे देसी प्लाव है, मोल्डेबल प्लाव है, इसका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें नॉर्मली पूछा जाता है। और आपका जो अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है जो है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में कहें तो कृषि सांख्यिकी है। इससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी कभी कभी एक आपके क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स का बेसिक कंसेप्ट बना के रखना है, जैसे कि मीन, मीडियम, मोड, इन सारी चीजों को नॉर्मली आपको अध्ययन करके रखना है। दोस्तों तो ये सारे आपके टॉपिक हैं जो कि जहां से कि नॉर्मली BHU BSC एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है, जहां से कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें से कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम बता देते हैं कि जिनको आपको पढ़ना ही है, और वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका जो जनरल एग्रीकल्चर है, प्रतिवर्ष 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एग्रोनॉमी से 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है, आपको सॉइल साइंस पढ़ना ही है, इनको नहीं छोड़ना है, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान है, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तो पढ़ना ही है। उसी प्रकार एंटोमोलॉजी से तो क्वेश्चन नहीं आता, एनिमल हस्बेंड्री को अवश्य पढ़ना है, प्लांट पैथोलॉजी से प्रतिवर्ष 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सटेंशन से हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, और इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको की आपको पढ़ना ही है, यानी कि यहाँ से मेजर क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से गहराई से पढ़ना है। बाकी कोई ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको होना अति आवश्यक है BHU BSC एग्रीकल्चर एग्जाम को निकालने के लिए, इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना प्रमुख आवश्यक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उन अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि BHU BSC एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ में ही हम इन सारे टॉपिक्स का वीडियो प्रदान करेंगे, और कुछ का वीडियो अभी बन चुका है, वो प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं, और शेष टॉपिक्स का हम वीडियो अभी बना देंगे जल्द ही, तो आप हमसे जुड़िए और इन सारे टॉपिक्स को गहराई से अध्ययन